भाजपा विधायक का किया पुतला दहन, जमकर की नारेबाजी। बुग्गा वाला भगवानपुर विगत दो दिन पहले क्षेत्रीय विधायक सुरेश राठौड़ ने धनोरी में एक प्रोग्राम में अपने बयान देते हुए कहा कि ज्वालापुर विधानसभा का 52% हिस्सा पाकिस्तानी है, जिसके चलते बुग्गा वाला में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक का पुतला फूंका और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व राज्य मंत्री प्रधान नासिर अली के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्वालापुर विधायक के घाट क्षेत्र में सुरेश राठौड़ द्वारा विवादित बयान देने पर कड़ी निंदा जताई और विधायक का पुतला दहन किया। पूर्व राज्य मंत्री प्रधान नासिर अली ने कहा कि भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है, विधायक सुरेश राठौड़ धर्म के नाम पर जनता को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य रोशनलाल, जिला महासचिव सूर्यकांत, जिला अध्यक्ष अमरदीप रोशन, राशिद सिद्दीकी, आशिक इलाही आदि लोग मौजूद रहे। केटी लाइव न्यूज के लिए क्राइम प्रभारी हरिद्वार जाकिर गोड की रिपोर्ट। राजकुमार ठुकराल, उन्होंने जो है रामलीला में जो है सीता जी के लिए अपशब्द कहे और चैंपियन भी हैं, और अब सुरेश राठौड़ का नाम और उस फहरिस्त में जुड़ गया, तो किस नज़र से देखते हैं ये जो बिगड़ते बोल हैं, इन पे क्या कोई अंकुश पार्टी नहीं लगाना चाहती या सिर्फ एक प्रक्रिया चल रही है? देखिए, सुरेश राठौड़ जी ने जो बयान दिया है वो RSS और भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। वो अपनी साजिश के तहत लोगों में भेदभाव पैदा करना चाहते हैं, लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांटकर रखना चाहते हैं, जिससे लोगों का ध्रुवीकरण बना रहे, आने वाले चुनाव में नीलाम निकल रहे हैं। लेकिन मैं सुरेश राठौड़ जी से पूछना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज का जो वोट उन्हें मिला है, तब वो लोग जिस टाइम मुस्लिम समाज में वोट मांग रहे थे उस टाइम ये पाकिस्तानी नहीं थे क्या? उस टाइम ये हिंदुस्तानी थे? ये जवाब उनको देना चाहिए, और नहीं देंगे तो आने वाले समय में जनता उनसे खुद जवाब देगी, तो इसका चुनाव में उन्हें जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक, सबका साथ सबका विकास, वो बाहर मुस्लिम देशों में जाते हैं उनके स्वागत होता है, बहुत बढ़िया बात होती है। और हमारे जो विधायक है बीजेपी के, सुरेश राठौड़ जी, वो बोलते हैं कि मेरी विधानसभा में 52% पाकिस्तानी रहते हैं, कि आम जनता को ये पूछना चाहिए पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है? ये तो फिर भी चलो हरिद्वार जिले के हैं, आप तो उत्तर प्रदेश के रहकर यहाँ विधायक बन गए बिजनौर से आकर। तो इसके संबंध में आज हमने बुग्गावाला क्षेत्र में प्रदर्शन किया और थाना अध्यक्ष बुग्गावाला को इसकी तहरीर दी कि सुरेश राठौड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए इसके खिलाफ। दोस्तों, जिस तरह से ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौड़ जी ने अपनी ही विधानसभा के जो सम्मानित वोटर और सम्मानित जनता है उसको इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की संज्ञा दी है, मैं समझता हूं इससे शर्मनाक बयान कोई नहीं हो सकता। ये विधायक की उस छोटी मानसिकता दर्शाता है जो ये सोचते हैं कि सत्ता है, मैं विधायक हूं, मैं कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हूं, तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलेगा। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि ज्वालापुर विधायक उस समर जनता से माफी मांगे जिन्होंने अपने ही क्षेत्र की जनता को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की संज्ञा दी है। अगर विधायक जी को ऐसा ही लगता है कि ज्वालापुर विधानसभा हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो हिस्सों में है, तो मैं कहना चाहता हूं कि विधायक जी, इस विधानसभा के अंदर ऐसे गांव भी हैं जो हिंदुस्तान और मुसलमान हैं, जो कि आपने उनको संज्ञा दी है।
खेड़ी, हसनावाला, तेलपुरा, गोकलवाला, सोहलपुर, बंदरजूड़, मानुबास, टेलीवाला। हाँ? जागरूक करते रहते हैं। मैं एक कथा जरूर बताना चाहूंगा, 67 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, 67 किलोमीटर क्षेत्र मेरा वो कौन सा सुभाषगढ़ लक्षर से आगे जाके गड़ी सड़ी छोटी वो टोटल पाकिस्तान भी मेरे हिस्से में है। टोटल पाकिस्तान 52% हिस्सा तो पाकिस्तान का है, 48% हिस्सा जिसमें हमें राजनीति करनी, जिनके वोटों के आधार पर हम जीत के आते हैं, केवल 48% हिस्सा है। उसमें भी लोग बड़ी निकारात्मक बातें करते हैं, उसकी परवाह हमें नहीं करनी चाहिए। पर प्रभु राम की कृपा से आज नवमी का पूजन हो गया है और सड़क के निर्माण में मैं अपने सब लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा।